जी अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज अ ब्रांच ऑफ द स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता क्या है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है ना, वो बेसिकली स्टैट की एक ब्रांच है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में हमने सबसे पहले जो है किसी भी चीज का डेटा कलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह अब रिसेंटली जो है ये कोरोना वायरस के केसेस थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं, हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं कि कोरोना वायरस के अगर कोई एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोग जो हैं जिनको कोरोना वायरस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उस एरिया में जाके हमने चेक किया कि इस एरिया में अगर लेट्स सपोज 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, कि जितने भी लोग हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे 20 लोगों को जो है वो कोरोना वायरस है, यानी कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया वहां से 20 लोगों का, ठीक है। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि अगर इस इलाके में 20 लोगों को जो है वो कोरोना है, तो हमने उसकी एनालाइजेशन करनी है कि आया इस घर में, हर घर में जो है कितने कितने लोगों को कोरोना है, या इस एरिया में किस किस घर में कोरोना है, उनको एनालाइज करके उनकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि इस घर में इतने लोगों, इस घर में जितने पर्सन हैं उनमें से इतने लोगों को कोरोना है, जो सेकंड घर है उसमें कितने लोगों को कोरोना है, थर्ड घर में कितने लोगों को कोरोना है, फोर्थ में कितनों का है, या फिफ्थ में है भी है या नहीं है, इस तरह हम उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। हमने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके एनालाइजेशन कर ली, उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब हमने लास्ट पे जो है ना फाइनल रिजल्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में हम लोग लिख देंगे कि इस एरिया में इतने लोगों को कोरोना था और इस घर में ही इस अफराद को कोरोना था, उसकी हम टोटल एक प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बना देंगे फाइनल, ठीक है। बेसिकली जो इसके इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के 4 स्टेप्स हैं, फर्स्ट क्या है कि आपने कलेक्शन करनी है, कोई भी डेटा है उस डेटा की आप कलेक्शन करेंगे, आप डेटा कलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। जिस तरह अगर कोई आपको कहता है कि इस घर में कोरोना है, तो आप खुद जाके सर्वे करोगे कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं, यहाँ पे कोरोना है भी है या नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट करोगे। अगर किसी ने आपको कहा कि इस जगह पे 20 लोगों को कोरोना है, आप उससे डेटा ले लोगे। किसी ने आपसे कहा कि इस जगह पे 15 लोगों को है, कि आप वहां से जाके उनका डेटा ले लोगे। किसी ने कहा 25 का, आप वहां से उनका डेटा ले लोगे। मतलब जहां जहां से आपको डेटा मिल रहा होगा ना, आपने वो डेटा कलेक्ट करते जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उस पर एनालाइजेशन करनी है, देन आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। एनालाइजेशन में आप लोग क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे घर घर जाके सर्वे करेंगे, फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है उस चीज को, इस घर में इतने इतने लोगों को कोरोना, और फाइनल आपने लास्ट पे उसकी प्रेजेंटेशन पे उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर देनी, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग होती है। अब हम बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या है? डेटा इज अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। ये आपको जो एग्जाम्पल में डेटा की फॉर्म नजर आ रही है कि डेटा क्या होता है, कि आप लोगों के पास जिस तरह यहाँ पे उन्होंने आपके पास जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है ना, वो है फूड का और नंबर ऑफ कस्टमर्स का, ठीक है। अब फूड कौन कौन सी है? जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पे डिफरेंट आइटम्स होती है, आप सारी की सारी तो नहीं टेस्ट कर सकते, आप उनमें से कोई स्पेसिफिक ही चूज करते हैं कि हमने ये आइटम खानी है या हमने ये आइटम खानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पे है चिकन टिक्का, रोस्टेड बीफ, फ्राइड फिश एंड अदर फूड जो है, अदर मतलब बाकी जो आइटम्स उसके अंदर आ जाती हैं, डेजर्ट्स वगैरह जितनी भी आइटम्स है, ठीक है। अब फूड्स जो हैं आप लोगों के पास, वो है चिकन टिक्का, रोस्टेड बीफ, फ्राइड फिश एंड अदर फूड। अब उन्होंने बताना है कि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स जो हैं वो चिकन टिक्का को प्रेफर करेंगे, कितने कस्टमर्स रोस्टेड बीफ को प्रेफर करेंगे, कितने कस्टमर्स फ्राइड फिश को प्रेफर करेंगे, और कितने बाकी दूसरी जो फूड आइटम्स वहां पे उनको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये डिस्कस करना है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स मैंने एक साइड पे देखे, नंबर ऑफ कस्टमर्स लिख दिया, इसका मतलब है कि इस सीरीज में जो आएंगे आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स की तादाद आएगी, और ऊपर फूड लिखा है, फूड के आगे हमने फूड की आइटम्स लिख दी कि वहां पे कौन कौन सी फूड आइटम्स है, ठीक है। अब देखें, जो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, वो चिकन टिक्का पे हम कहते हैं कि 50 कस्टमर्स जो हैं वो चिकन टिक्का को प्रेफर करते हैं, रोस्टेड बीफ को 10 कस्टमर्स प्रेफर करते हैं, फ्राइड फिश को 20 प्रेफर करते हैं, अदर फूड को 20। अब ये जो अमाउंट्स मैंने लिखी है ना, 50, 10,
ट्वेंटी एंड ट्वेंटी, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 50 की जगह पे 10 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ रोस्टेड बीफ में 10 की जगह 50 लिख सकते हैं, फ्राइड फिश में 20 की जगह 90 लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये अमाउंट आप अपने पास से लिख सकते हैं क्योंकि ये एज एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे फूड आइटम्स में मैंने चिकन टिक्का, रोस्टेड बीफ, फ्राइड फिश एंड अदर फूड लिखी है। यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से कोई आइटम्स लिख सकते हैं फूड की, लेकिन सही वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ना हो कि आप यहाँ पे कैंडीज और इस तरह की चीजें लिखना स्टार्ट कर दें। अब देखें, ये आप लोगों के पास डेटा था, अब हमने डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है विद इन अ टेबल। ये आपको टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल के अंदर हमने इस डेटा को रिप्रेजेंट किया है कि हमने बताया है। इस टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि ये जो डेटा है ये हमारे पास फूड का डेटा है, क्योंकि इसके स्टार्ट में उन्होंने बता दिया फूड और नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी ये डेटा आपके पास किसका है, फूड का डेटा है। और इस फूड डेटा में हमने बताया कि कितने कस्टमर्स जो हैं वो कौन सी आइटम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं टेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा की कितनी टाइप्स हैं, डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। डेटा को टू पार्ट्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज अनग्रुप डेटा एंड सेकेंड वन इज ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा क्या होता है, देखिए अनग्रुप डेटा द डेटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है इंफ्रादी तौर पर, इंफ्रादी मीन्स वन बाय वन, आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है टेबल के अंदर उसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास क्रिकेट टीम है, आपके पास क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में आपके पास कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम एनहांस द स्कोर ऑफ अ टीम इन वन डे मैच। वन डे मैच में अब हमने बताना है कि वो जो 11 प्लेयर्स हैं उन्होंने कितना स्कोर किया। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि अनग्रुप डेटा में जो हर बंदा होता है उसका अलहदा से इंडिविजुअली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर यहाँ पे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं तो उन 11 प्लेयर्स में हर प्लेयर का अलग से हम स्कोर बताएंगे कि उसका स्कोर कितना है। जब हम हर बंदे का सेपरेटली स्कोर बताएंगे इट्स मीन कि हम अनग्रुप डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखिए एग्जांपल के अंदर मैंने टेबल बनाया है, टेबल में ऊपर वाले कॉलम में मैंने प्लेयर्स लिख दिया है और नीचे वाले में मैंने स्कोर लिख दिया, यानी ऊपर मैं प्लेयर्स लिखूंगी और नीचे मैं स्कोर्स लिखूंगी। अब प्लेयर कौन सा है, प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री, प्लेयर फोर, प्लेयर फाइव, प्लेयर सिक्स, प्लेयर सेवन, प्लेयर एट, प्लेयर नाइन, प्लेयर टेन, प्लेयर इलेवन, क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं तो हमने यहाँ पे 11 प्लेयर्स लिख दिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर उनका स्कोर लिखना है। स्कोर आप इन 11 प्लेयर्स का कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 46-18, लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जो अमाउंट्स मैंने लिखी है आपने भी वही अमाउंट्स लिखनी, क्योंकि ये एग्जांपल है। प्लेयर में आपने ऊपर ये जो काउंटिंग है 1 से 11 तक, ये तो आप एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 11 प्लेयर्स होते हैं वो तो आपने मेंशन करने हैं। अब उनका जो स्कोर है वो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, हर प्लेयर का डिफरेंट डिफरेंट स्कोर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेयर है उसने कितना स्कोर किया, 46, सेकेंड ने 18, थर्ड ने 23, फोर्थ ने 39, फिफ्थ ने 32, सिक्स ने 27, सेवन ने 15, एट ने 36, नाइन ने 9, टेन ने 33 एंड 11 ने 37। ये सारे स्कोर हो गए हमारे पास इंडिविजुअली जो 11 प्लेयर्स थे उन सबके यहाँ पे हमने स्कोर्स मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअली ये सबका स्कोर बताया गया है, सबका सेपरेट सेपरेट हमने स्कोर बताया। अनग्रुप डेटा में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इंडिविजुअल देते हैं, यानी सबकी इंफ्रादी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, वन बाय वन सबकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब जब इस तरह का आपको कोई टेबल नजर आ जाए तो आप देख के बता सकते हैं कि ये जो है ये अनग्रुप डेटा है, क्योंकि आपको सबकी सेपरेट सेपरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे आपको वन की अलहदा से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, टू की अलहदा मिल रही है, थ्री की अलहदा मिल रही है, फोर की अलहदा, फाइव की अलहदा, सिक्स की अलहदा, सबकी सेपरेट सेपरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो इट्स मीन ये आपके पास अनग्रुप डेटा है। ठीक है, देन आप लोगों के पास आता है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा हम बोलते हैं जिसमें आप लोगों के पास एक ग्रुप की सूरत में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। देखिए डेफिनेशन देखें इसकी, द डेटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। जिसमें हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप की सूरत में दी जाती है उसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। अब आपको ये टेबल नजर आ रहा है एग्जांपल के अंदर, ये देखिए फर्स्ट पे आपने लिखना है ग्रुप,
ये तो आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमें पता है ग्रुप डेटा क्या है कि हमें ग्रुप की सूरत में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ग्रुपिंग ही करेंगे ना हम इनकी। जिस तरह अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम कहते हैं कि 30 स्टूडेंट्स में से जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने मोस्टली स्टूडेंट्स ने 10 to 20 के अंदर अंदर इसके दरमियान में स्कोर्स गेन किया, मतलब मार्क्स जो है उनके 10 से 20 के दरमियान में। हम कहते हैं कि 1 से 10 रोल नंबर तक जितने स्टूडेंट्स हैं, 1 से 10 रोल नंबर वाइज है अगर, तो 1 से 10 जो रोल नंबर है उन रोल नंबर्स ने जो मार्क्स गेन किए हैं उनके मार्क्स आए हैं, 1 से 10 रोल नंबर के दरमियान वाले बच्चों के मार्क्स आए हैं 20, 23, 4 and 25 इस रेंज के दरमियान में उनके मार्क्स आए 1 से 10 स्टूडेंट्स के दरमियान। ठीक है, इस तरह हम ग्रुपिंग के तौर पे बता देते हैं कि हमारे पास इस ग्रुप के कितने मार्क्स आए हैं, इस ग्रुप के कितने मार्क्स आए हैं और इस ग्रुप में कितने मेंबर्स ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो हम जब ग्रुप के फॉर्म में कोई डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ग्रुप नजर आ रहा है, सेकंड पे उनके स्कोर और थर्ड पे नंबर ऑफ प्लेयर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स का मतलब है कि अगर आप क्लास की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप, यहाँ पे स्कोर की जगह हम लिख सकते हैं मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स की जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्योंकि हम क्रिकेट टीम वगैरह की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने ग्रुप के बाद यहाँ पे उनके स्कोर लिखे हैं और नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखे हैं। अब ग्रुप देखें, हम कहते हैं कि 1 से 10 तक का अगर कोई ग्रुप है, फिर 11 से 20 का, अगर जितना सीक्वेंस आपने पहले ग्रुप में रखा है उतना ही सीक्वेंस सेकेंड ग्रुप में होगा, उतना ही थर्ड में होगा, उतना ही फोर्थ में। जिस तरह देखें, फर्स्ट ग्रुप में 1 से 10 तक नंबर है यानी 10 का डिफरेंस है, तो सेकंड में आप 11 से शुरू होंगे और वो 11 से 20 तक, यानी इनमें भी 10 का डिफरेंस आएगा, फिर 21 से 30 तक 10 का डिफरेंस, फिर 31 से 40 तक, मतलब सीक्वेंस वाइज आप चलेंगे। मैंने ये 4 ग्रुप लिए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर इन 4 की जगह 3 भी ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ग्रुपिंग में, क्योंकि बेसिकली हमने शो तो इसका ग्रुप में डाटा ही करना है। अब हम कहते हैं कि 1 से 10 तक जो ग्रुप है उसने स्कोर जो गेन किया है वो किया है 9, यानी उस ग्रुप में किसी बंदे ने 9 स्कोर, ये 9 गेन किया है, और ये 9 है सिर्फ एक ही स्कोर बताया हुआ है तो ये एक ही बंदे ने गेन किया, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं 1। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप में देखें, 11 से 20 तक में से जो ग्रुप है उस ग्रुप में हमारे पास जो जो स्कोर आए हैं वो स्कोर आए हैं 15, 18, ये स्कोर आए हैं 15 और 18। 11 से 20 तक जो ग्रुप है उसमें 15 and 18 स्कोर गेन किया है। ठीक है, और ये कितने स्कोर हैं, 1 and 1, 2, टोटल 2 स्कोर हैं, तो जाहिर ही बात है 2 प्लेयर्स होंगे तो 2 स्कोर्स होंगे, तो यहाँ पे आगे आपने प्लेयर्स की प्लेयर्स कितने लिख दिए हैं, 2 प्लेयर्स लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, 21 से 30, 21 से 30। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास स्कोर क्या है, 23 and 27। याद रखें, ये आप गौर से देख लें कि अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 से 10 तक की बात की है तो इसका जो स्कोर है वो इसी ग्रुप के अंदर से ही आएगा, 1 से 10 के दरमियान में से ही कोई स्कोर आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे 9 लिखा, आप यहाँ पे 8, 7, 6, 5, 4, 3 यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 से अपवर्ड आप स्कोर नहीं यहाँ पे लिख सकते, 11, 12, 13 आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें रेंज क्या दी है, 1 से 10, इस ग्रुप के अंदर से ही आपका स्कोर आएगा जो भी आएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखें, 11 से 20, तो यहाँ पे भी जितने आपने स्कोर्स लिखने हैं वो इस ग्रुप के अंदर से लिखने हैं, 11 से 20 के सेंटर से ही कोई नंबर उठा के आपने यहाँ पे लिख देना। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, 15 और 18, आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 15, 18, 19, 17, 11। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे कोई स्कोर लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे आप 4 नंबर लिखते हैं तो नंबर ऑफ प्लेयर्स में भी आप यहाँ पे उसकी काउंटिंग 4 ही लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 21 से 30 है, तो आपने यहाँ पे जो इसका स्कोर लिखना है वो 21 से 30 के सेंटर से ही कोई स्कोर निकाल के यहाँ पे लिखने हैं, तो मैंने उनमें से 23 और 7 निकाल के यहाँ पे स्कोर में लिख दिया, टोटल 2 स्कोर है, तो आपने यहाँ नंबर ऑफ प्लेयर्स में 2 लिख दिया। 31 से 40 में, अब आपने यहाँ से 31 से 40 के सेंटर से ही कोई नंबर उठाने हैं और यहाँ पे स्कोर में लिख देने हैं, और ये टोटल 3 नंबर हैं, तो मैंने नंबर ऑफ प्लेयर्स में 3 लिख दिया। तो बेसिकली ये जो आपके पास डाटा इस फॉर्म में, इसको आप बोलते हैं ग्रुप डाटा, कि आपकी ग्रुपिंग की जाती है और उस ग्रुप में से आपके स्कोर्स निकाले जाते हैं और उसमें से नंबर ऑफ प्लेयर्स बताए जाते हैं। बेसिकली आपका सेपरेटली डाटा नहीं है, वन बाय वन सबकी हम इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे हम ग्रुप की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टेबल इज शोइंग अ ग्रुप डाटा।
कौन सा टेबल आप लोगों के पास जो है वो ग्रुप डाटा को शो करता है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स और उसके मार्क्स दिए हुए हैं, 1 to 1 से लेकर 9 तक स्टूडेंट्स हैं, और आपको नजर आ रहा है सबके इंडिविजुअली सेपरेटली मार्क्स, सेपरेटली मार्क्स बताए हैं। 1 के 581 है, 2 के 786 है, 3 के 389 है, 4 के 451 है, 5 के 367, सबके सेपरेट सेपरेट है। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज एन अनग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा क्योंकि सबकी सेपरेटली इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो ये कौन सा डेटा है आप लोगों के पास, अनग्रुप डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये देखें आपको यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में ग्रुप नजर आ रहा है, ग्रुप सेल ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ डेज, आपको इस टेबल से ही पता चल रहा है कि ग्रुप ग्रुप फॉर्म में आपको टेबल दिया हुआ है, तो ये ग्रुप डेटा है। और यहाँ पे आपको इस ग्रुप से भी पता चल जाना चाहिए कि ग्रुप डेटा है, सबसे बेसिक हिंट जो है आपको यहाँ पे ग्रुप का वर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग की हुई है 5, 12 से 6, 11, और अब देखिए यहाँ पे सेल ऑफ ट्रायल्स जो है वो 5, 12 से 6, 11 के सेंटर से ही निकाले हुए, और यहाँ पे टोटल 4 नंबर है तो नंबर ऑफ डेज में 4 लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये सारे आपकी ग्रुपिंग की हुई है, तो आप इस टेबल को देख के जज कर सकते हैं कौन सा डाटा है ग्रुप डाटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज ग्रुप्ड डाटा, इट इज ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन 5, इसमें भी आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं ये भी ग्रुप डाटा है, आपको बेसिक हिंट यहाँ पे ग्रुप नजर आ रहा है, 6 वाला ये भी ग्रुप डाटा है, और ये अनग्रुप डाटा आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया अनग्रुप क्या होता है ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है पाईग्राफ। अब पाईग्राफ क्या होता है, पाईग्राफ की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ ग्राफ इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ पाईग्राफ। आप लोगों के पास ये एक सर्कल ये नजर आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल की फॉर्म में आप लोगों के पास जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, इस डेटा को हम लोग बोलते हैं पाईग्राफ। पहले जो हमें डेटा प्रोवाइड किया जाता था वो टेबल की फॉर्म में प्रोवाइड किया गया था, मतलब एक टेबल बना होता था, उसके अंदर आपका इंडिविजुअली और ग्रुप की फॉर्म में डेटा दिया होता था, जब इंडिविजुअली दिया होता था तो हम कहते थे ये अनग्रुप डेटा है, और ग्रुप फॉर्म में होता था तो हम कहते थे ये ग्रुप डेटा है। और जब आपके पास इस तरह सर्कल की फॉर्म में एक सर्कल में आपको डेटा गिवन होगा तो आप उसको बोलेंगे कि ये पाईग्राफ है, जब आपको सर्कल में डेटा गिवन होगा तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, ये पाईग्राफ है। ठीक है, अब हम पाईग्राफ का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, पाईग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड टोटल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो आप यहाँ टोटल क्वांटिटी की जगह आप स्टूडेंट्स लिख देंगे, अगर प्लेयर्स की बात हो रही है तो आप यहाँ क्वांटिटी की जगह प्लेयर्स लिख देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाली चीज आपकी चेंज हो जाएगी और ये टोटल क्वांटिटी वाली चीज आपकी चेंज हो जाएगी। अभी आपको बता देते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे, ये देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग पाईग्राफ इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स। यानी यहां से हमें पता चल गया कि क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो 120 है, और यहां से ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो बात हो रही है बेसिकली वो स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी क्वांटिटी की जगह आपने स्टूडेंट्स का जिक्र करना। अब देखें वो क्या कह रहा है, रीड द पाईग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये है आप लोगों के पास पाईग्राफ, इस पाईग्राफ को आप रीड कैसे करेंगे, देखिए पाईग्राफ के अंदर ना आप लोगों के पास उन्होंने सेक्टर्स बना दिए हैं, सेक्टर्स मतलब उसके पार्ट्स बना दिए, सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स। अब कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है ये 240 वाला, एक ये 90 वाला पार्ट है, और एक ये 30 वाला पार्ट है, टोटल 3 पार्ट्स आपके बना दिए गए हैं। ठीक है, अब वो देखिए 240 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पास, 90 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फेल, 30 के ऊपर गॉट पोजीशंस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड एग्जामिनेशन, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन पास किया। अब आप पाईग्राफ देखें, पास कहाँ है, ये है, तो पास भी क्या लिखा हुआ है, 240 डिग्री, ये ऊपर आपको साइन नजर आ रहा है कि डिग्री का साइन है। ठीक है, पास के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 240 डिग्री। अब हमने तो बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ने पास किया, हमने ये तो नहीं बताना कि कितने डिग्री पे पास हुआ। ठीक है, तो ये तो डिग्रीज में था। अब आपने जो अभी अभी पाईग्राफ का फॉर्मूला पढ़ा ना, आपने वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अब हमने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड एग्जामिनेशन, तो आपने हाउ मेनी नहीं लिखना, हाउ मेनी की जगह आप लिखेंगे नंबर ऑफ हाउ मेनी की जगह आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स।
क्योंकि हम स्टूडेंट्स पास्ट की बात करें तो हम बताएंगे कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन पास किया, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इक्वल टू, अब फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था ये देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है, गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 360, तो हमने यहाँ लिख दिया गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या लिखा हुआ टोटल क्वांटिटी, तो हम क्योंकि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स ठीक है। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला ये जो इक्वल के बाद वाला इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो मैं इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है गिवन एंगल, गिवन एंगल का मतलब है कि अभी क्योंकि हम पास स्टूडेंट की बात करें तो पास स्टूडेंट में देखें यहाँ पे कितने का एंगल था 240 का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास 240 का एंगल था, तो ये जो आप लोगों के पास गिवन एंगल है, गिवन एंगल का मतलब यही है कि जिस चीज की आप बात करें, अगर आप पास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, फेल्ड की बात कर रहे हैं, या आप व्हाट पोजीशन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनका जो एंगल है यानी ये जो सर्कल के अंदर आपको डिग्री फॉर्म में दिया आपने वो लिखना, तो गिवन एंगल कितना है 240, तो आपने यहाँ गिवन एंगल की जगह 240 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 360 जो लिखा वो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई अब टोटल स्टूडेंट्स, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, देखिए जब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी थी तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको नजर आ रही है, देखिए द फॉलोइंग पाई ग्राफ इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, ये आपको इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नजर आएगा, टोटल जो क्वांटिटी होगी, टोटल स्टूडेंट्स होंगे, ये टोटल जिस भी चीज की बात हो रही है, प्लेयर्स की हो रही है, तो वो आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नजर आएगा, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 120 थे, 240 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 120। अब आपने क्या करना है, अब आपने करनी है इनकी कटिंग, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो सकती है और आप एक टाइम में सिर्फ दो वैल्यूज को ही कट कर सकते हैं, आपने ऐसा नहीं करना कि 360 जो है उसको 120 से भी काट रहे हो, 240 से भी काट रहे हो, ये गलत हो जाएगा, एक टाइम में आप एक के साथ ही वैल्यू को कट कर सकते हो, या तो आप 360 को 120 से काट लो या तो आप 360 को 240 से काट लो, ठीक है, लेकिन कटना एक के साथ। अब हम क्या करते हैं, हम 360 की ना 120 से कटिंग कर देते हैं, हमें नजर आ रहा है कि तो 360 के लास्ट पे जीरो है, यानी ये एक इवन नंबर है, 120 के लास्ट पे भी जीरो है तो ये भी एक इवन नंबर है, तो यानी दोनों कटिंग हो सकते हैं टू के टेबल पे। पहले तो मैंने दोनों का लास्ट का जीरो जीरो से काट दिया, बाकी क्या बचा 12 और नीचे क्या बचा आपके पास 36। अब 12 और 36 दोनों को मैंने 12 के टेबल पे कट किया, 12 ones are 12 और 36 को 12 3 the 36। याद रखें जब आप लोग न्यूमिरेटर की कटिंग करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आपका ऊपर वाली साइड पे आता है, और जब आप डिनोमिनेटर की कटिंग करते हैं तो उसका आंसर आपने नीचे वाली साइड पे लिखना, यानी उसके नीचे आप लोग एक लाइन स्किप कर दें और न्यूमिरेटर के ऊपर भी आप लोग एक लाइन छोड़ दिया करें, क्योंकि आपने कटिंग करनी है। आपने ऐसे नहीं करना कि न्यूमिरेटर की कटिंग की है तो उसकी कटिंग उसके बिल्कुल साथ लिख दें, डिनोमिनेटर की कटिंग उसके बिल्कुल साथ लिख दें, रॉन्ग वे है, ठीक है। न्यूमिरेटर की जब भी आप कटिंग करेंगे आप उसका आंसर अपवर्ड ऊपर करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर का आंसर थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा 240 मल्टीप्लाई 1, तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 240 ही आता है, और नीचे आपके पास 3 बचा तो हमने 3 लिख दिया। अब 240 और 3 दोनों 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे थे तो मैंने 3 पे कट कर दिया, 3 ones are 3, 3 are 24 और 0, तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स जो हम अभी निकाल रहे थे वो कितने आए हैं 80 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स ने पास किया, 80 स्टूडेंट्स ने पास किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट पोजीशन। अब सबसे पहले वही हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमने क्या चीज फाइंड करनी है कि कितने स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट पोजीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट पोजीशन, ठीक है। फॉर्मूला लगाया वही वाला, गिवन एंगल 3 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स। अब उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे सर्कल में कितने लोगों ने पोजीशन हासिल किया, ये आपको गॉट पोजीशन वाले कॉलम में नजर आ रहा है 30, यानी गिवन एंगल जो है आपका वो 30 है, गिवन एंगल क्या है 30 है, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास 120 है, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू गिवन एंगल है तो गिवन एंगल की जगह 30 आ गया, डिवाइड में 360 एज इट इज, मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स की जगह पर आपने 120 लिख दिया, ठीक है। तो अब 120 और 360 की अगेन से कटिंग की, दोनों की सेम जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, जीरो जीरो से कट कर दिया, 12 ones are 12, 12 threes are 36, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, और डिवाइड में 3 है तो वो एज इट इज आ गया। 3 और 30 की दोनों की कटिंग करेंगे तो आंसर आपके पास 3 ones are 3, 3 tens are 30, तो आपके पास न्यूमिरेटर में 10 आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट पोजीशन इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड। अब कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, दोबारा चलिए आप अपने पाईग्राफ पे, तो पाईग्राफ में देखिए फेल्ड ये है फेल, तो फेल में कितने हैं 90, तो गिवन एंगल आपके पास कितना हो गया 90, गिवन एंगल कितना है 90। तो हम आ जाते हैं दोबारा से क्वेश्चन पे, हमने पहले फॉर्मूला लिखना है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स फेल हुए
गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू गिवन एंगल अभी हमने कितना देखा है 90 और डिवाइडेड बाय 360 एज इट इज मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120। ठीक है, अब 120 और 360 की कटिंग करेंगे, 00 से कैंसिल आउट हो गया, 12 1 12 12 3 36। अब 90 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 91 से 90 और डिवाइड में 3 है, अब ये दोनों अगेन 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होंगे तो 3 1 3 3 3 9 0 आ गया। तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं आप लोगों के पास 30, ये 30 आंसर आया, तो 30 स्टूडेंट्स आप लोगों के पास नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया आप लोगों के पास जो क्लासरूम में फेल हुए 30 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की है और 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में पास हुए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आप लोगों के पास इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी देख रहे हैं। इन रूटीन्स रूटीन लाइफ में डिपार्टमेंट्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो कैसे कलेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग द क्वेश्चनरी, मतलब क्वेश्चनरी लोगों से सवालात करते हैं। अगर उन्होंने किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अगर उन्होंने कोरोना की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उन्होंने डेंगू की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो हर घर में जाके सर्वे करके लोगों से क्वेश्चनिंग करेंगे, डिफरेंट लोगों का उनकी उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेक करेंगे, उनकी राय लेंगे कि किस घर में कितना कितना वायरस है या जो भी है, तो वो क्वेश्चनरी के मेथड से ही गुजर के वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अ डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, डेटा को टू क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है जो अभी आपको आज बताया है। फर्स्ट वन इज ग्रुप डेटा एंड सेकेंड इज अनग्रुप डेटा। थर्ड है, अ ग्राफ इज अ ड्रॉइंग दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड क्वांटिटीज। ये आपका जो है ये ग्राफ वाला, ये आपका सेकंड चैप्टर है, ये मैंने आपको इससे रिलेटेड अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये जब मैं आपको दूंगी तब मैं आपको ये थर्ड वाली जो फिलअप से ये समझा दूंगी। ठीक है, और उसके बाद ये फोर्थ वाला, फाइव वाला और सिक्स वाला, 3 4 5 ये भी मैंने आपको नहीं समझाया, लेकिन आप इस फिलअप को एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जब मैं आपको समझाऊंगी तब मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगी, लेकिन आप इस फिलअप को रीड आउट कर लें। आज का आपका टॉपिक इतना ही था।